हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप करना है। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाते हैं, और या तो आप डायरेक्टली से टाइप कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइप करके, या अदरवाइज़ आप मैनुअली, अगर आपने इसको अपने बुक मार्क्स में सेट कर रखा है तो इससे आप जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सामने यहाँ दिखाई दे रही है सरकारी रिजल्ट्स की ऐप है, जो बेस्ट ऐप है फॉर्म बनने के लिए। इसमें आपके पास दो फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, यूपी बीएड एडमिट कार्ड एनवीएस टीजीटी आरएससी प्रयागराज, ये यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, और यूपी टीजीटी पीजीटी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ओके, ये दिख रहा है, देखिए यूपी टीजीटी टीजीटी अप्लाई फॉर्म और यूपी पीजीटी अप्लाई फॉर्म। तो यूपी टीजीटी अप्लाई करने के लिए ये हमने इस पर क्लिक किया है, तो इंटरफेस हमारे पास ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश यूपीएससी एसएसबी, ओके, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजी यूपी टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म, 3,539 टोटल पोस्टेज इसमें आई हैं, और यस, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम 9 जून से लेकर 3 जुलाई 2022 तक, ये जो है कैन अप्लाई फुलफिल एलिजिबिलिटी 3 जुलाई तक ये कह रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, कल इसकी फॉर्म की अप्लाई करने की लास्ट डेट है, मतलब 3 जुलाई लास्ट डेट है, और फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 6 जुलाई तक है। ओके, और कंप्लीट फॉर्म करने की लास्ट डेट जो है 9 जुलाई तक है, तो जिन लोगों ने नहीं भरा है वो इसको जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि कल ही इसकी लास्ट डेट है। तो ओबीसी की फ़ीस, जनरल ओबीसी 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस 450, एससी की 450 और एसटी की 250 रुपये, ये इसकी फ़ीस है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम एज आपको पता है 21 साल है, मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। अब देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की टोटल जो पोस्ट निकली हैं, बालक वर्ग में जो निकली हैं 3,213, और बालिका वर्ग में 326 पोस्ट निकली हैं। बालिका वर्ग में महिलाएं पढ़ा सकती हैं, बालक नहीं पढ़ा सकते हैं। ओके, और दूसरा ये सब्जेक्ट वाइज है, तो जैसे आपको मैथमेटिक्स में देखना है तो मैथमेटिक्स में 296 पोस्ट निकली हैं, 296, और बालिका में 17। अब इसमें ओबीसी एससी एसटी और टोटल जनरल, तो जनरल में देखिए इसमें 296 पोस्ट हैं, ओके, मैथमेटिक्स में, और 147 इसमें ओबीसी में है, 65 एससी में है, और एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं 0। इस तरीके से टोटल 508 पद निकले हुए हैं, जो कि एक अच्छे पद माने जा सकते हैं। हालांकि पिछले बार 1,000 के ऊपर निकले थे, तो कंपटीशन इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। चलिए आइए तो इस फॉर्म को भरते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा हमें, यहाँ से डाउनलोड मोबाइल ऐप्स, खैर इसकी मतलब हमें ज़रूरत नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक कीजिए, इसमें एड्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, उनको आप इग्नोर मारिए, क्लिक ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यूपी की एक साइट खुल गई है। यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ओके, ये आपके पास वेबसाइट खुल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन टेस्ट बोर्ड हैज़ इशू एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यस, एंड कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर्म हेयर, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पर न्यूज़ लिखी हुई है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यस, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें आनी है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद फीस डिपॉजिशन एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो है 3 चरणों में ये होगा, और यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर द अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीजीटी पीजीटी, ओके, टीजीटी के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम इस पे हम क्लिक करते हैं और फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने इस पे क्लिक कर दिया है, यस, तो ये क्लिक कर दिया हमने, और इसमें देखिए 2 पोस्टें आई हैं यूपी एजुकेशन बोर्ड में। एक निकली है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की पोस्ट, और एक पीजीटी की पोस्ट है। तो इसको आप यदि यूज़र इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें फॉर्म भरने के लिए तो पढ़ सकते हैं। व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आप पूरा एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं इसका, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किन किन सेंटरों में परीक्षाएं होंगी। ओके, ये सारी चीज़ें नॉर्मली जो फॉर्म भरते हैं वो दिया रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट की अभी हमने बात नहीं करी है, उसको भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल हम सीधे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म अप्लाई करना है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म काफ़ी बड़ा हुआ करता है, टाइम लेता है। तो ये देखिए, अब जैसे आपको मान लो कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी पढ़ना है, नेचर ऑफ पोस्ट, परमानेंट, नॉट गजटेड, है ना, नॉन गजटेड, ये पोस्ट का तरीका दिया हुआ है। अब आप क्वालिफिकेशन देखना चाहें, जैसे टीजीटी साइंस की क्वालिफिकेशन देखनी, तो आप क्वालिफिकेशन देख लें। तो
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएससी विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश लॉ इन इंडिया। मतलब आपका बीएससी होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो ये मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री लगेगा। बीएड डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट लॉ ऑफ इंडिया, तो आपके पास बीएड होनी चाहिए एंड ग्रेजुएट एंड बीएड फोर ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एंड फोर ईयर, या तो इंटीग्रेटेड भी चल जाएगा या आपने अलग अलग क्या रखा हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये अलग अलग दी हुई हैं, तो मतलब जो लोगों ने मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है। देखिए आमतौर पर अन्य जगहों पर ये होता है कि आपने बीएससी में बायो भी ले रखा है तब आप टीजीटी साइंस भर पाते हैं, मगर ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, इसमें मैथ्स वाले भी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत खास बात है ना, और बायो का इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तो बहुत अच्छी है वैकेंसी। आप इसमें चाहें तो टीजीटी साइंस भी भर सकते हैं और टीजीटी मैथ्स भर सकते हैं जो मैथ्स वाले हैं, दोनों के लिए इसमें रास्ते खुले हुए हैं। तो पोस्ट देखिए यहाँ पे निकली हुई हैं, साइंस की कितनी पोस्ट निकली हुई हैं यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं टीजीटी साइंस की आपके पास में साइंस किधर गया, टीजीटी साइंस की 540 पोस्ट निकली हुई हैं, एक अच्छा खासा आंकड़ा है, और टीजीसी मैथ्स की 533 पोस्ट निकली हुई हैं, तो बहुत बढ़िया वाली बात है ये, मैथ्स और साइंस की पोस्ट निकली हुई है। आइए करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स का करके आपको डेमो दिखा रहा हूँ, यस, तो ये एक पॉपअप खुल गया है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। अभी देखिए हिंदी में है और लिखा है भाषा परिवर्तन के लिए क्लिक करें, अभी हिंदी में है फिर इंग्लिश में हो जाएगा, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं हिंदी से, ओके। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होने चाहिए। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवाइस टू रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। हाँ मतलब आवेदन करने के कृपया विज्ञापन को भली बातें अध्ययन कर ले, विषय पद के लिए करें, इंटरमीडिएट शिक्षा अध्ययन के, मतलब आपके पास तारीख क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए तब आप इसको फॉर्म को भर रहे हैं। कृपया पंजीकरण करने के पूर्व सुरक्षित कर ले कि आपके पास विवरण उपलब्ध है, हाँ ईमेल आईडी इंटरमीडिएट पिछला वर्ग ये मतलब सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अंतिम रूप से प्रविष्ट चयन बोर्ड वाला संशोधन नहीं किया जाएगा, मतलब ये फॉर्म भरते समय याद रखिएगा कि ये बहुत ही फॉर्म ऐसा है कि अगर आपने गलती करी तो कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, फिर आप इसको सही नहीं कर सकते हैं, तो बहुत आराम से फॉर्म भरना है, इत्मीनान से फॉर्म भरना है, गलती नहीं करिएगा, है ना। ईडब्ल्यूएस देखिए, अब आपके पास यदि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी करने वाली तिथि और उसका नाम, सबके पास अधिकारी का नाम होना चाहिए, तो ये ईडब्ल्यूएस है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लगेगा इसमें। चलिए तो इसको ऑन कर दिया और आपने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे दिया है, शपथ ले लिए कि आई डिक्लेयर, घोषणा दे दी है कि आई डिक्लेयर दैट आई फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रेस्क्राइब बाय द पोस्ट एग्जामिनेशन ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन एज स्पाइस इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब मैंने जो लिखा है वो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और बिल्कुल सही है मेरी जानकारी में, यस। तो फॉर्म इस बार काफ़ी जल्दी खुल रहा है और आप जैसे पिछले बार था ये काफ़ी देर में खुल रहा था, मगर इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, काफ़ी जल्दी फॉर्म लोड हो रहा है, मतलब आयोग ने काफ़ी ज़्यादा सुधार करा है। चलिए तो एडवर्टाइज नेम आपने टीजीटी पोस्ट का डाल दिया है और यहाँ पर कैंडिडेट नेम की बारी आ गई है, तो आइए हम कैंडिडेट नेम एक डेमो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं किस तरीके से इसमें हम कैंडिडेट नेम डालते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप, खैर ये ऑटो अपने पास अपने आप सेट है कैपिटल लेटर लेने के, आप स्मॉल भी डालेंगे तो ये कैपिटल ही लेगा, ओके। जैसे मेरा नाम है लोकेश खंडेलवाल, यहाँ मैंने लोकेश खंडेलवाल डाल दिया, फादर का नाम आपको डालना है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप जो भर रहे हैं वो आपके क्लास टेंथ की मार्कशीट से मिलना चाहिए, तो आप क्लास टेंथ की मार्कशीट अपनी सामने रखें क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो क्लास टेंथ की मार्कशीट से मिलान किया जाएगा, इसलिए गलती की कोई संभावना मत रखिए, नहीं तो बाद में आपको हलफनामा वगैरह प्रेजेंट करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और आपके दिमाग को पजल करता है, तो मैं कहूँगा आप लोग पहले टेंथ क्लास की मार्कशीट सामने रख लें। हाँ तो मैंने कहा इसमें आप क्लास टेंथ के अकॉर्डिंगली भर दीजिए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मदर का नाम लिख रहा हूँ विमलेश खंडेलवाल, ओके यहाँ पे आपने भर दिया। अब इसके बाद जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे पूरी फिल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सीक्रेट डेटा है तो आप इसको मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह, क्योंकि इससे सारी की सारी जानकारियाँ ओपन हो सकती हैं, तो इसको आप लोग फॉर्म को आराम से फिल करते जाइए, फिर देखते हैं क्या करना है।
चलिए, तो ऊपर की आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ ली गई हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपकी मोबाइल आईडी, ओके। इसके बाद आता है आपका कि आपका हाउस नंबर, विलेज, और आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है आप कहाँ के हैं, ओके। एंड यदि कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, ब्लॉक का नाम आपको यदि लिखना है तो वो सब आप लिख सकते हैं। तो इसको फिल करते हैं। इसमें आपके पास आपका नाम है ना, केयर ऑफ लिखना है, केयर ऑफ मतलब आपको, आप किन के यहाँ रहते हैं, है ना, आपके पेरेंट्स का नाम। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ MC गुप्ता, ठीक ना। तो इसमें नेम केयर ऑफ है, मतलब ये पत्राचार के लिए, पोस्टल एड्रेस के लिए, ठीक ना। और हाउस और विलेज का नाम, तो यहाँ पे विलेज आप लिख सकते हैं, अगर आपका घर का एड्रेस है, नाम है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ उसे खलेशा नाका बोलते हैं, मध्य प्रदेश। स्ट्रीट नंबर इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, चपहा रोड। और डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट आप लिखना चाहें तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप डाल दें जहाँ के आप हैं, ओके। तहसील भी इसमें पूछी गई है, तो तहसील इसमें आपकी जो तहसील लगती है वो तहसील का नाम डाल दें। ये सब वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। पुलिस स्टेशन जो आपका है, वो पुलिस स्टेशन आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो है वो आप डाल सकते हैं। ओके, विलेज का नाम ऑप्शनल, अदर विलेज कोई है तो आप डाल सकते हैं, मगर इसमें पूछा नहीं गया है, एक स्टार नहीं लगा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ब्लॉक का नाम आप डाल सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉक हो, तो हम करकेली ब्लॉक के हैं, तो करकेली ब्लॉक हमने डाल दिया है। फाइनली पिन कोड आपसे पूछा गया है, तो पिन कोड अपने घर का, ये आपने पिन कोड डाल दिया है। तो इस तरीके से ये आपकी जो जानकारी है ये कम्प्लीट हो गई है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ओके। तो पूछा गया है कि हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है, तो हाई स्कूल जो है ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने हाई स्कूल किया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश से, और मेरा पासिंग ईयर है 2002, तो इसको आपने फिल कर दिया। देन इसमें हाई स्कूल में आपका रोल नंबर क्या था, तो वो आप जो है वो भर दीजिए। और इवेल्युएशन टाइप आपके जो हैं, किस में आए थे, परसेंटेज में मार्क्स आए थे, या वो खैर खुद कैलकुलेट कर लेगा। आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, तो हाई स्कूल का रोल नंबर जो है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप उसको फिल कर सकते हैं। 134-15-818 मेरा रोल नंबर है। परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में यहाँ आ जाएगा, ऑप्टेंड कितने मार्क्स ऑप्टेंड हैं और कितने नहीं हैं। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं ले रहा है, देखते हैं, मार्क्स करते हैं इसमें, ओके ठीक है। तो ये परसेंटेज डिवीज़न इसमें आएगा, ओके, ऑब्टेंड एंड मैक्सिमम, तो ये भी सही है। आप इसको इस तरीके से भी भर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो यदि ऑब्टेंड यहाँ पे मार्क्स जैसे 322 और टोटल जो मार्क्स थे, 500 का पेपर होता था, ये आ गया है, ओके। एंड यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा आपका फर्स्ट, तो ये आपने भर दिया है हाई स्कूल का। इसके बाद इंटरमीडिएट आपने डाला है, इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम आप देख लें, तो बोर्ड का नाम फिर से वही है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ओके। तो इसको सर्च करिए, आपके बोर्ड का नाम ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, यस, बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, ये आ गया है यहाँ पे। और आप यहाँ पे इसकी डेट डाल दें, 2004 में किया है आपने। इसका रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो रोल नंबर आप इसका फिल कर दें, ठीक है ना। तो रोल नंबर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी रोल नंबर डाल देता हूँ, 243 and 415, क्या डाल दूँ, 142 ऐसे। ओहो, ये क्या हो गया, ये देखिए, ये प्रॉब्लम हो जाती है जब भी आपसे कोई गलत बटन दब जाता है, तो ये आपसे प्रॉब्लम हो जाती है। ये हम नेक्स्ट पेज में स्विच हो गए शायद। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम सीओ, ओके। ये फॉर्म फिर से रिफ़्रेश हो गया, अपने आप हो गया है। तो बड़े फॉर्म को भरने में दिक्कत जाया करती है, ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो इसको फिर से हमें यहाँ से फ़िल करना पड़ेगा। आपका वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ मैं, फिर से इसको जल्दी से फ़िल कर देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स भर ली हैं। पिछले बार फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया था, और ऐसा होता है जब आप बड़ा फॉर्म भरते हैं तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये फॉर्म जो होते हैं अपने आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, मगर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, इसके बाद आती है आपकी एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, जिसमें आपको भरना है कि आपने बीएड कब किया है, और बीएड डिग्री आपकी कब है, बीएससी आपका कब है। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए
और इसको भी हम फिल करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए तीसरे नंबर पे मैंने ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भर दी हैं, जिसमें आपकी बीएससी ग्रुप की रिलेटेड क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड वगैरह पूछी गई है। ओके, तो इसको फिल करने के बाद आपने ये कैप्चा कोड डाल दिया है। अब इसके बाद जो है आपको इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू करना है, तो वैलिडेट कर देगा, उसके बाद प्रीव्यू दिखा देगा कि यदि कोई गलती है तो स्वीकार, देख लीजिए आप। फॉर्म को वैलिडेट करने के पहले मैं आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा कि अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देख लीजिए, जैसे खासकर मेल आईडी ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, तो अपना मेल आईडी चेक कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए, यदि आपने फ़ोन नंबर कहीं पर डाला है, फ़ोन नंबर आपने यस ये डाला है तो अपना फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए। ओके, और माता जी का नाम, पिताजी का नाम चेक कर लें, जो कि गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब यदि सब कुछ सही है तो आप इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर दें। सेव इन्फॉर्मेशन, ये गूगल की वो आ रही है, नहीं मुझे सेव नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर दीजिए और ये सेव हो जाएगा। हाँ देखिए, वैलिडेट एंड प्रीव्यू नहीं हो रहा है, इसमें कुछ कह रहा है ग्रेजुएटेड फोर ईयर इंटीग्रेटेड। देखिए, तो ये जो है मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको नो कर दिया, मैं कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू करता हूँ। यस, तो ये मेरी फाइनली रिजल्ट आ चुकी है, शीट बन के आ चुकी है, प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब इसको लिख लीजिए, आई हैव केयरफुली चेक, मैंने सभी प्रविष्टियाँ चेक कर ली हैं। अगर चेक नहीं करी हैं तो आप आगे मत बढ़िए, और यदि चेक कर ली हैं, अपने सारे रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपका चेक हो चुका है, ओके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आई हैव केयरफुली चेक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। यस, प्लीज़ कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अलॉट द रजिस्ट्रेशन नो आफ्टर रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, डिटेल्स टू अलॉट यू द रजिस्ट्रेशन नंबर आफ्टर कन्फर्म सबमिशन, प्लीज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। मतलब इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट आउट ले लेनी है। तो ठीक है, हम ये हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है, और अब हमें फ़ीस भरनी है। तो फीस भरने के पहले हम प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप कर लीजिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल पर, आप इसकी प्रिंट आउट ले लीजिए। तो जैसे मेरे कंप्यूटर पे डिफ़ॉल्ट फॉर्म में प्रिंट सेव है, तो ये मैंने भर दिया है, सारी जानकारियाँ हो गई हैं, एप्लीकेबल नहीं था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी थर्ड वाला, क्योंकि मैंने 4 साल वाली बी एड प्लस बीएससी नहीं करी है, 3 साल वाला कोर्सेस किया है। तो इसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं, और आप इसको सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी पोजीशन पे जाके सेव हो गया होगा। ओके, ये देखिए पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाहेंगे, तो मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे भी फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ TGT फॉर्म। अप्लाई 2023, ये इसे मैंने सेव कर दिया, ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अब देखिए, अब हमें आगे का काम करना है कि मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप भी मैंने कर दिए, तो देखिए कैंडिडेट होम पेज हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, अब हमें जाना है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल भी हो गया है, अब हमें भरनी है फ़ीस। तो फीस के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट, कृपया प्लीज़ नोट डाउन द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। हाँ, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, मैंने वो जो फॉर्म डाउनलोड किया है ये हो चुका है। ओके, देन इसके बाद यस, इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसको हम प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। तो ये पेमेंट पोर्टल की तरफ हमें रीडायरेक्ट कर देगा, और ये खुल गया पेमेंट पोर्टल, एप्लीकेशन फ़ीस UPS एजुकेशन सर्विस है ना, तो जो भी है ये इसमें दिया हुआ है, 750 रुपये का पेमेंट करना है। EWS हालांकि मेरा है, मगर मैं क्योंकि दूसरे राज्य का हूँ इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें मैंने क्लिक किया मल्टीपल पेमेंट सिस्टम, MPS बोलते हैं इसे। ओके, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और SBI बड़ी है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए, आपके पास बेस्ट है UPI, आजकल चलते हैं UPI में, बैंक चार्जेस भी 0 लग रहे हैं इसमें, तो आप UPI से SBI नेटिंग, अदर बैंक, नेट बैंकिंग, स्टेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI, तो मैं बेस्ट जो है UPI को सिलेक्ट करूँगा। तो UPI के लिए आप कह रहा है कि QR कोड से पेमेंट करना चाहते हो या VPA से करना चाहते हो, तो आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, QR कोड से जनरेट कर लीजिए और पेमेंट फटाफट हो जाएगा। ओके, तो मैं QR कोड की तरफ जाएंगे अपन लोग, और QR कोड को स्कैन करेंगे। ड्यू टू टेक्निकल इशू इट कैन नॉट जनरेट QR कोड, तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये QR कोड जनरेट नहीं कर रहा है, तो अब आपको वापस जाना पड़ेगा, मगर प्रॉब्लम हो गई है। अब देखिए क्या है कि अब जैसे ही आप वापस जा रहे हैं, तो ये आपका फॉर्म जो है आपको बाहर भेज चुका है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, तो यस हम वापस आ चुके हैं।
अब इस बार दूसरे तरीके से हम ट्रायल करेंगे. आर यू श्योर टू प्रोसीड द फी? बिल्कुल. तो यस, यहाँ पे फिर से आ चुका है. तो SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, अदर बैंक नेट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, UPI एंड SBI ब्रांच, कैश एंड चेक. ठीक है, तो हम फिर से एक बार UPI में टेस्ट करते हैं. और UPI में इस बार जो है हम VPA के थ्रू जाना चाहेंगे. ओके, और आपको इसमें ID भरनी पड़ेगी. एक बार QR कोड फिर से देखते हैं कि QR कोड जनरेट कर रहा है. और हाँ, QR कोड जो है जनरेट कर चुका है. तो QR कोड से पेमेंट काफ़ी इजी होती है. QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से. तो ये जो QR कोड आया है, आप इसको अब फाइनली अपने किसी भी पोर्टल से, गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी तरीके का, या आप भीम ऐप चलाते हो तो भीम ऐप से आप इसको लिंक करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो बस यहीं तक ये फॉर्म है, बाकी कोई इसमें विशेष बात नहीं है. इसको आप पे करेंगे. तो मित्रों, जैसे ही आपकी यहाँ पर फीस पे हो जाएगी, वैसे ही एक आपको मैसेज आ जाएगा. और ये कैंसिल ट्रांजैक्शन की है ना. अगर आप चाहें तो ना करें तो इसके लिए यहाँ पे कर सकते हैं. बट जैसे ही आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है. ओके, यस, ये देखिए, ये योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, मतलब आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है. ओके, और आपका जो ये है, ये पूरा का पूरा SBI रेफरेंस नंबर सब कुछ है. आप चाहें तो इसको सेव कर लें कहीं पर, ठीक ना. इसे आप चाहें तो कहीं पर सेव कर सकते हैं. ये देखिए, ये आपकी रिसिप्ट मिल चुकी है आपको कि आपने जो है जमा किया है. आपका प्रिंट कर लीजिए इसको एंड प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन. तो पहले इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, जिससे कि कहीं आपको काम में आए या कहीं क्लेम करना हो कि फॉर्म आपने जमा नहीं कर पाए. ऐसा हालांकि होगा नहीं और होता नहीं है, तो फिर भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें इसको रखना चाहिए. चलिए, तो ये हमने स्लिप का नाम इसे दे दीजिए, पे स्लिप, और इसे आप सेव कर लीजिए, ठीक ना. और फिर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन की तरफ आगे बढ़ जाइए. और आपका अब यहाँ पर आएगा कि आपको क्या क्या देना है. अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर. तो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है यहाँ पे. तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए. तो स्कैन फ़ोटो का दिया हुआ है, डायमेंशन आपको दिया गया है कि इमेज डायमेंशन इतनी इतनी होनी चाहिए. ओके, 3.5 का विड्थ होना चाहिए, 4.5 की इसकी हाइट होनी चाहिए, और 200 DPI में आपको इसको सेव करना है, ठीक है ना. तो मेरे पास जो फ़ोटो सेव हैं उनमें मैं यहाँ से जाना चाहूँगा. जो जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट सेव हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फ़ोटोज़ जा सकती हैं. यस, तो ये फ़ोटोज़ हमारे पास हैं. तो जैसे मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे कोई सा ठीक ठाक सा देख करके मेरे को यहाँ पे अपलोड करना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कर दिया. तो ये देखिए, फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है. इट मींस ये वैलिडेट है फ़ोटो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर सिग्नेचर की बात आती है तो सिग्नेचर मेरे पास सेव हैं, और ये सिग्नेचर, ये मैंने यहाँ पर वैलिडेट कर दिया, सिग्नेचर भी आ चुका है. अब इसके बाद वेरीफिकेशन कोड आपको डालना है. तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालिए, KHYW F. ये देखिए, तो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये आपने अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर. देखिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा प्लीज़ अपलोड फाइल अप टू 15 KB और लेसर देन इन साइन. मतलब फ़ोटो ठीक है, मगर सिग्नेचर में फ़ोटो जो है वो मेरी 15 KB से लेसर, मतलब 15 KB से कम का फ़ोटो मुझे चाहिए है. तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं. 15 KB से कम का फ़ोटो मैं देखूंगा. तो फ़ोटो में तो कोई दिक्कत नहीं था, मगर सिग्नेचर में 15 KB से कम. तो मेरे पास दो तीन सिग्नेचर हैं, मैं उनमें देख लेता हूँ 15 KB से कम कौन सा है. ये 15.2 है,
ये 17 KB है और ये 17 KB है। ओ मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है हम लोग को। 15 और ये क्या है, ये 9.48 KB है। चलो भाई तो मिल गया, हमारे पास कम KB का सिग्नेचर भी आ चुका है, हमने सेव कर रखा था। इसलिए मित्रों आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रखने चाहिए, आप कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इनको दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको लेंथ हाइट मेज़र करो, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्यू सी और डी वी और ये पी। तो अब एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अगर सब कुछ सही रहा और ये हमारा फॉर्म फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपडेट सक्सेसफुली। भाई ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ, इतने कम समय में और फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। इफ़ योर फोटो एंड सिग्नेचर हैव बीन सक्सेसफुली अपलोडेड इट विल विजिबल प्रेस फाइव फॉर्म इन यस। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा फ़ोटो एंड यहाँ पे मैसेज आ चुका है अपलोडेड सक्सेसफुली, प्रोसीड फॉर द फाइनल सबमिशन करना है हमें। चलिए, आई डिक्लेयर सबमिट एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके ठीक है भाई, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन बीएड डिग्री और एलटी डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड, हाँ ठीक है। एक्वायर्ड यस, हाँ हमने ये डिग्री प्राप्त कर रखी है। एमएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, भाई एमएड की ज़रूरत नहीं है, डी फिल की भी ज़रूरत नहीं है, हमने एक्वायर्ड नहीं करी है। यस प्लीज़ सेलेक्ट स्टेट नेम, जो है स्टेट नेम आप यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। ओके ओके, ये सब कुछ फॉर्म पहले से ही भरा हुआ है। कुछ नई जानकारियाँ इसमें मांगी जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट का नेम, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट उमरिया। देन इसके बाद जो है तहसील बांधवगढ़, पुलिस स्टेशन लिखना पड़ेगा और इसको कैपिटल दे दिया जाए, कैप्स लॉक दबाइए। चलिए ब्लॉक करके लिए ठीक है, एंड विलेज एप्लीकेबल है नहीं, पिन कोड सही एकदम। अब कह रहा किस वर्ग के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, आपके द्वारा वह केवल बालक वर्ग के लिए ही स्वीकार होगा। देखिए आप बालक और बालिका, मैंने शुरू में जानकारी दी थी कि आप केवल बालक के लिए भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप बालक और बालिका दोनों के लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए सीट ज़्यादा बालक में है, बालिका में कम सीट है, परंतु अगर बालिका वर्ग में भरेंगे तो आपको जो कंपटीशन होगा ज़्यादातर लेडीज़ से होगा, तो आपके पास सिलेक्शन का स्कोप ज़्यादा रहेगा। तो बॉयज़ कैटेगरी के इंस्टीट्यूट हैं और ये गर्ल्स कैटेगरी के इंस्टीट्यूट हैं, तो क्योंकि सीटें ज़्यादा जो हैं बॉयज़ में हैं तो हम बॉयज़ में भरेंगे। आपके द्वारा भरा गया प्रपत्र आवेदन पत्र केवल बालक वर्ग कॉलेज संस्थान के लिए ही मान्य अग्रिम कार्रवाई हेतु स्वीकार होगा। जी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट कन्फर्मेशन करता हूँ मैं, तो मैंने बालक वर्ग के लिए कन्फर्मेशन कर दिया है। डिक्लेरेशन, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द प्रीवियस प्रोविजंस नोटिस एडवर्टाइजमेंट अंडरटेक बाई देम, मैंने सारे नियम वगैरह पढ़ लिए हैं। फर्दर मैं जो है रिगार्डिंग एज लिमिट की सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, ठीक है। डिक्लेयर करता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ एग्जेशन एज पर गवर्नमेंट, ये आई डू नॉट बिलोंग टू पर्सन क्रिमिलियर मैंशनड, वो मैं क्रिमिलियर नहीं हूँ। आई मेल कैंडिडेट ऑल्सो डिक्लेयर आई हैव नो मोर देन वन वाइफ, वन फीमेल कैंडिडेट मैरिड एंड हैविंग अ वाइफ लिविंग, मेरे पास केवल एक पत्नी है। आई डिक्लेयर आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड बाई द, मेरे पास कभी कोई मुकदमा नहीं चला है और मैं गवर्नमेंट के द्वारा किसी सर्विस से निकाला नहीं गया हूँ। आई हियर बाई दैट एंट्रीज स्टेटमेंट मेड माई एप्लीकेशन इज थ्रू, मैंने सारी जानकारियाँ सही भरी हैं, अगर मैं गलत पाया जाऊँगा तो मुझ पर कार्रवाई होगी और बोर्ड मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ भर सकता हूँ। चलिए तो ये हो गया प्रीव्यू फॉर्म, कैंसिल क्लोज यस हो गया। तो प्रीव्यू फॉर्म प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स, ठीक है भाई साहब बिल्कुल सही है, हमने भर दिया है। यस प्लीज़ टाइप नेम सी ओ इन मेलिंग एड्रेस केयर ऑफ, अच्छा जी मेलिंग एड्रेस में हमें केयर ऑफ लिखना है। ओके ठीक है, तो इसको हमने टाइप कर दिया सेम एज, अच्छा ये करना था इसलिए ये आ गया था, ठीक है।
अब इसके बाद ठीक है भाई, ये आ गया है ठीक है, और इसके बाद हमने एक बार और फिल कर दिया इसको। वेरिफिकेशन फाइनली हमारे पास कैप्चा कोड है, वेरिफिकेशन कोड जो दिया गया है स्मॉल एस एस कैपिटल एम स्मॉल बी कैपिटल एफ और डी। तो ये सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हम कर रहे हैं ओके, और ये हमारा फॉर्म एप्लीकेशन हो चुका है। क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हैं। तो जो जो डाउनलोड हो सकता है हम सब कर लेते हैं क्योंकि कल की डेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो काफ़ी बड़ा फॉर्म है ये, इसे हमने फाइनली सेव कर लिया है ओके। डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये क्या है आईडी एप्लीकेशन स्लिप, चलिए तो पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन स्लिप भी हो चुकी है। और कह रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि एक जानकारी हमारे पास रहेगी कि हमने क्या क्या भरा है। तो चार दस्तावेज हमने यहाँ पे सेव कर लिए हैं, ओके सो फाइनली हमारा सब कुछ कार्यक्रम यहाँ पे हो चुका है। तो अब इसके बाद फॉर्म भर ही चुका है, अब हमें इंतज़ार करना है। एप्लीकेशन टाइम दिया हुआ है 2/7/2022 7:55 सुबह का समय है और इस फॉर्म को हमने भर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी है फॉर्म भरने का तरीका तो हमें ज़रूर मतलब कमेंट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। और अब ऐसी जानकारी सिलेबस है इसको डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई कीजिए और आपको बाकी जानकारी मैं देता रहूँगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इसमें कैसे तैयारी करके जाना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।